जय हिंद। स्वागत है मेरे चैनल डिफेंस एंड स्पोर्ट्स आर्मी में। और फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए आसाम राइफल्स में जो कल नर्सिंग असिस्टेंट्स का दोस्तों फिजिकल हुआ था दीमापुर में, तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ट्रेड टेस्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों लगभग ट्रेड टेस्ट में आप लोगों से अब 15 से 20 क्वेश्चन दोस्तों पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों कल का मैं आपको बताऊं तो कल का जो ट्रेड टेस्ट था वो दोस्तों हुआ है और काफ़ी सारे लड़के इसमें क्वालिफाई भी थे। और दोस्तों लेकिन ओवरऑल की बात करूं तो दोस्तों रिज़ल्ट काफ़ी वहां का बेकार रहा। मतलब बहुत कम लड़कियों ने ट्रेड टेस्ट में जो कि पास कर पाए वो बहुत कम थे, क्योंकि दोस्तों नॉर्थ ईस्ट का कल फिज़िकल था और ट्रेड टेस्ट था। तो नॉर्थ ईस्ट के जो भी मेरे भाई लोग थे उन्होंने अपना फिज़िकल वगैरह दिया था, लेकिन ट्रेड टेस्ट दोस्तों बहुत कम बच्चे क्वालिफाई कर पाए हैं। लगभग दोस्तों दीमापुर में 200 का बैच दौड़ाया गया था और 200 के बैच में जो रनिंग क्वालिफिकेशन था दोस्तों वो लगभग 180 190 तक का बंदे को बच्चे क्वालिफाई कर रहे थे। बाकी दोस्तों जो रिजेक्शन हुई थी वो हाइट और वेट चेस्ट में हुआ था। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन की कि ट्रेड टेस्ट में क्या क्वेश्चन है। तो दोस्तों ट्रेड टेस्ट के क्वेश्चन आपको बता देता हूँ मैं। नर्सिंग असिस्टेंट में सबसे पहले है दोस्तों कि यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि चेस्ट में टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं, मतलब जो आपके रिब्स होते हैं वो कितनी होती हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था दोस्तों आप लोग का कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, ठीक है। डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है। और फोर्थ क्वेश्चन था दोस्तों आपको ह्यूमन में मतलब एक सामान्य मनुष्य में कितनी हड्डियाँ होती है। उसके बाद दोस्तों आपसे MBBS MRI और एक्सरे के बारे में दोस्तों पूछा गया था कि ये क्या होता है और इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है, और इसका फुल फॉर्म भी दोस्तों पूछा गया था। फिर दोस्तों आपसे एड्स के बारे में पूछा गया था और इसके बचाव ये क्यों होता है और ये वायरल डिजीज़ है, ठीक है। पोलियो वैक्सीनेशन के बारे में दोस्तों पूछा गया था कि पोलियो वैक्सीन क्या है, क्यों इसको देना ज़रूरी है। स्टेथोस्कोप के बारे में दोस्तों पूछा गया था कि एक नॉर्मल व्यक्ति की धड़कन कितनी होती है और एक बीमार व्यक्ति की धड़कन कितनी होती है। थर्मोमीटर का क्या काम होता है। इंजेक्शन में जो हम जो दवा भरते हैं दोस्तों वो कितने ML भरते हैं। और एक ह्यूमन में कितना पानी होता है दोस्तों, कितना वाटर होता है, ठीक है। ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है वो कहाँ बनता है, ठीक है, ये इसके बारे में पूछा गया था। COVID-19 दोस्तों, COVID-19 से जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था कि COVID-19 का जो वायरस था वो सबसे पहले कहाँ पाया गया था और इसका जो वैक्सीन का खोज किसने किया है। फिर आपसे ब्लड प्रेशर के बारे में दोस्तों पूछा गया था कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो दोस्तों अभी हमारे पास जितने क्वेश्चन हैं ये कल के क्वेश्चन थे दोस्तों। आज का जो भी क्वेश्चन है दोस्तों वो आज आपको शाम को मिल जाएगा। चैनल पर बने रहें दोस्तों। जय हिंद।